गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंबशन एंड फ्रेम। 1, 2, 3, 4 चैप्टर हम कर चुके हैं, 5th हम बाद में देखेंगे, 6 चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। अब कंबशन होती क्या है? कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट निकालता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंबशन। ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है? हीट निकालता है, उसको हम कहते हैं कंबशन। अब जो उन सब्सटेंस जिसमें कंबशन होता है, जिसमें से हीट निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस, और या फिर उसको कहते हैं फ्यूल। और फ्यूल हमें पता है कौन कौन से होते हैं? पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या हैं? फ्यूल्स हैं जिससे कि हम आग लगा सकते हैं। तो कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करके हीट निकालता है, और जो सब्सटेंस सब्सटेंस का कंबशन होता है उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं या फिर फ्यूल कहते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में। अब ये आप इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला रीड करना, इसमें आपको बताया गया है कि मैग्नीशियम और चारकोल दोनों कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट निकालते हैं। ओके बेटा, अब है हमारे पास एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हमें नहीं करनी है। एक्टिविटी में वैसे क्या बताया गया है कि 6.1 में तो आपको ये बताना है कि क्या कंबस्टिबल है और क्या नहीं है, मतलब क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट निकालते हैं नहीं। अब जैसे मोमबत्ती वाला है 6.2, इसमें हम किसी बीकर में हमने मोमबत्ती जला के रखी हुई है, अगर हम उस पर ढक्कन रख दें तो क्या होगा? मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लेम तब तक जली रही है जब तक उसका ऑक्सीजन से वो है, ऑक्सीजन से वो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। अब एक ही अंदर क्या है, जब एयर एंटर करनी है, कर रही है, तो वो जल रही है, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, एयर एंटर नहीं कर रही इसलिए वो बुझ गई। थर्ड वाले में बिल्कुल ही ना ऊपर से ना नीचे से, फाइनली जो फ्लेम है वो बिल्कुल ही बंद हो गई है क्योंकि एयर अवेलेबल नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एयर से जो रिएक्ट करके हीट निकालता है उसे ही हम कंबशन कहते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि कपड़ों को आग लग जाती है, किसी को आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं? उस पर कोई भारी सा ब्लैंकेट या शोल डाल के उस आग को बुझाते हैं, पढ़ा होगा आपने ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या बताया है कि जो माचिस है क्या वो अपने आप जल जाती है या नहीं, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें क्या है, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बताया गया है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस के आने पे जो सब्सटेंस है वो आग को कैच कर लेता है। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें जिस टेम्परेचर के आने पर वो सब्सटेंस आग को कैच कर लेता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब लोअर देन इस इग्निशन टेम्परेचर के कम पे उसे आग नहीं लगती, वो कैच नहीं करता, ठीक है। अब कैरोसिन ऑयल को अगर हम हीट करेंगे तो वो भी आग पकड़ लेगा, क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो आग कैच करता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। अब के बाद है, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन पेपर कप, द बेस्ट सप्लाई टू द पेपर कप, हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाँ। अब पेपर कप के अंदर गर्म पानी आता है लेकिन फिर भी वो नहीं जलता, ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेपर कप है वो अपनी हीट किसको दे देता है? पानी को दे देता है, पानी को गर्म रखने के लिए, ठीक है। इसलिए पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच नहीं हो पाता। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस की, ऐसे सब्सटेंस जिनका बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होता है और जिनमें आग इजीली लग जाती है, वो क्या होते हैं? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल,
एलपीजी सिलेंडर जो हम किचन में यूज़ करते हैं, पेट्रोल है, ये सब क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है। ओके बेटा।